जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक छोटी सी कंपनी है जिसके बारे में अक्सर यूट्यूब पर बातें होती रहती है। और देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मैंने कहा टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है, तो आपको ये बात समझना होगा कि ये जियो और एयरटेल की तरह सिम कार्ड नहीं बेचती है, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में बेसिकली टावर बैठाने का, बड़ी बड़ी कंपनी वाला टावर लगाने का काम करती है। ये बात आपको समझना होगा, कंपनी का काम समझना होगा। अब देखिए इसके बारे में आज बात क्यों हो रही है, क्योंकि इससे संबंधित कुछ खास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आई है जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है या नया आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब देखिए इन्वेस्टमेंट, ये जो नया खबर निकल कर सामने आ रहा है बेसिकली वो एक फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। एक कंपनी के डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसलिए ये बातें आपको जानना जरूरी है। तो इसके बारे में समझेंगे, लेकिन शुरुआत एकदम शुरू करते हुए चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर प्राइस 90 पैसा पर आ गया है कम होकर। आज के दिन एक दिन में तकरीबन 18% ये स्टॉक टूटा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक स्टॉक का 18% एक दिन में टूट जाना। और आप पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में 33% टूटा है, एक महीने में देखें तो 28% एक माह में टूटा है, एक सप्ताह में देख सकते हैं 21% टूटा है, और अब एक दिन में 18% का टूट जाना ये काफ़ी बड़ी बात है। ऐसा और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी में जो फ्रॉड हुआ है वो खबर निकलकर सामने आ गई है। फ्रॉड के बारे में चलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके लंबी अवधि के चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का ये साल भर का चार्ट, साल भर से देखेंगे तो स्टॉक यहीं तक गिरा है, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ था कि स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा था, यहां तक कंसोलिडेट किया, लेकिन अब देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस फिर नीचे जाने लगा है। यानी कि ये स्टॉक जो यहां तक इस समय तक कंसोलिडेट कर रहा था, अब इसका प्राइस आप देखिए नीचे की तरफ जाने लगा है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वो जो मैंने बातें बताई फ्रॉड वाली बात वो निकलकर सामने आ गई है। इसकी वजह से एक एक दिन में इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20% के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आप मान करिए 18-19% के आसपास ये स्टॉक टूटा है। और यदि ये यहाँ पर अभी दिखाएं आपको लंबी अवधि में, थोड़ा शॉर्ट टर्म में, तो देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गिरावट एक दिन में देखने को मिली, कितनी बड़ी कैंडल बनी है नीचे की तरफ इस स्टॉक में। अब चलिए आपको बताते हैं कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कौन सी फ्रॉड वाली खबर है जिसको निकल कर सामने आने से इतना बड़ा हड़कंप मच गया है इस कंपनी में, उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए जो फ्रॉड की बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली जुड़े हुए 4760 करोड़ रुपए के गबन से। ये CBI ने केस दर्ज किया है, ये जो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इनके डायरेक्टर्स पर, और बेसिकली ये केस दर्ज कराया गया है बड़े बड़े बैंकर्स की तरफ से। इसमें मैं आगे बताऊंगा आपको ICICI और केनरा बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक इसमें शामिल हैं। इन्होंने CBI के जरिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पर एक केस दर्ज कराया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CBI ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है 4760 करोड़ रुपए के गबन का। और इसमें कुल 24 बैंक शामिल हैं जिन्होंने जो बैंक इसके लिए CBI के जरिए केस दर्ज कराए हैं। और करीबन 5000 करोड़ के फ्रॉड को अंजाम देने के लिए इन्होंने GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की कई वेंडर कंपनियां बनाई। देखिए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि मामला क्या है। ये मामला शुरू होता है आपको 2009-10 के बीच GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने एक बड़े बड़े बैंकों से लोन लेना शुरू करती है। लोन लेती है जैसे 2009-10 में आपको बताया, 2009-10 में 1055 करोड़ रुपए का कंपनी लोन लेती है और कहती है, बताती है कि उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। ये कहकर इसने बैंकों से 1055 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। इसके बाद फिर यदि 2011-12 की बात करें, 2011-12 में भी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1970 करोड़ रुपए का बैंकों से लोन लिया और कहा कि इसे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने कहीं भी इन सब पैसों को किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यानी कि ये पैसे उन्होंने गबन कर लिए। और वही अब बात निकल कर सामने आ गया है कि वो जो पैसा आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था आखिर वो है कहाँ, तो वह बात पकड़ में आ गई है। इसी वजह से CBI ने फ्रॉड का मामला इनके डायरेक्टर्स के ऊपर केस दर्ज किया। और ये बात सही है जो 4760 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात हो रही है, यदि इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने इसको कहीं म्यूचुअल फंड या कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट किया होता तो पैसा होता वो दिखता, लेकिन ये पैसा दिख नहीं रहा, इसलिए इसको फ्रॉड का नाम दिया गया है कि ये पैसा इन्होंने गबन कर लिया है। तो देखिए अभी ये जाँच बैठा है पूर्ण रूप से, 100% ये बात सत्य है कि नहीं इसको क्लैरिटी होने दीजिए। जब इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा। हालाँकि ये कहीं ना कहीं डराने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि 4760 करोड़ रुपये का गबन ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और यदि बात सत्य होती है तो इस स्टॉक में और बड़ी गिरावट आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में करना क्या है एज ए इन्वेस्टर। यदि हमारा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो क्या हम बेचकर निकल जाएं? एक बात आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा, पैनिक सेलिंग आपको नहीं करना है। पैनिक सेलिंग करने में हमेशा लॉस ही लॉस होता है। तो उस लॉस से बचने के लिए आपको ये कर सकते हैं कि कुछ दिन इसमें ठहर जाइए, और जब तक इस ये बात की क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाती है, वेरिफिकेशन नहीं हो जाती कि ये बात सत्य है कि नहीं है।
और फिर भी यदि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि एक एक दिन में जब 18% स्टॉक टूट रहा है तो जाहिर सी बात है लॉस होगा, और यदि आपने इसमें काम का पैसा लगा दिया है तब आप पूर्ण रूप से इससे इस कंपनी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें बने रहने का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लंबी अवधि में भी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर प्राइस में या इस कंपनी का भविष्य मुझको उज्ज्वल नजर नहीं आता है। फंडामेंटल भी देख सकते हैं, फंडामेंटल भी काफ़ी कमजोर है, बुक वैल्यू निगेटिव है, स्टॉक का पीक पता नहीं है, आरओई और आरओसी ये सब माइनस में, आरओई का तो पता ही नहीं है। इसलिए आप इस स्टॉक से यदि मन बना लिया तो बाहर भी निकल सकते हैं, आपको आप इससे बाहर निकलने के बाद ग्लानी फील नहीं करेंगे, और जो भी पैसा मिलता है आप उसको किसी दूसरे स्टॉक में लगाकर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप उससे अच्छे समझ पा रहे होंगे। मन में कोई कन्फ्यूजन है, सवाल है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।